स्टूडेंट, मैं हूं सूरज और आज आपके बीच लेकर आया हूं कुछ क्वेश्चंस जो वन वर्ड में इसके आंसर्स रहेंगे। तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट नेम इज गिवन टू द सॉलिड हैविंग रेगुलर रिपीटिंग मॉलिक्यूलर पैटर्न्स? तो इसका जो आंसर है वो होगा क्रिस्टलाइन। स्टेट ऑफ मैटर हैविंग ओनली वन ओपन सरफेस लिक्विड। सेकेंड क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा मैटर होता है जिसका कि वन ओपन सरफेस होता है, तो लिक्विड का होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर्स 100 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर आइस 0 डिग्री सेल्सियस। अब थ्रस्ट फोर्स एग्जर्टेड बाय लिक्विड। लिक्विड के भीतर में जो एग्जर्टेड फोर्स अप्लाई होता है उसको क्या बोलते हैं? तो अब थ्रस्ट बोलते हैं उसको। अब थ्रस्ट फोर्स जो नीचे से ऊपर की ओर लगता है। आगे चलते हैं। अनदर नेम ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हीकल्स। उसका क्या नाम है डिस्प्लेसमेंट व्हीकल्स का? तो नाम है उसका यूरेका कैन। लिक्विड मेटर हैवियर देन सॉलिड सिल्वर। सिल्वर से ज़्यादा लिक्विड मेटर है कौन सा है? तो वह मरकरी आपका। आगे है क्वेश्चन, वेट ऑफ, आपको बताना है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन लिक्विड अपीयर्स वेट हो जाता है, यानी कि थोड़ा कमी आ जाता है उसके वेट में, जो है कमी आ जाता है। आगे और क्वेश्चंस हैं आपके बीच। ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन मीटर होता है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्रेशर का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर मीटर के ऊपर -2 पावर, इसको पास्कल भी बोलते हैं। व्हाट आगे है, द टोटल फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड। ऐसे नॉर्मल के ऊपर, ऐसे जैसे कि यहाँ पे देखिए हम दिखा रहे हैं इस तरीके से, जो फोर्स लगता है नीचे की ओर उसको क्या बोलते हैं? तो उसको थ्रस्ट बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नीचे की ओर एक्ट हो रहा होता है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नीचे की ओर जो लगता है फोर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रस्ट नाम दिया गया है। थ्रस्ट लाइक एज ए फोर्स बट इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल डायरेक्शन में लगता है ये, नॉर्मल यानी कि एज ए परपेंडिकुलर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हो उसको क्या बोलते हैं? तो बैरोमीटर बोलते हैं। एवरेज प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक मेजर्ड एट सी लेवल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी लेवल पे जो का जो एवरेज लिया गया प्रेशर उसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, उसी से कैलकुलेट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आगे क्वेश्चन है आपका, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ये सभी कंपटीशन के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और बच्चों के एग्जामिनेशंस वगैरह में ये पूछे जाते हैं 9th 10th क्लास में। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर। एसआई यूनिट ऑफ वर्क जूल। एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ मीटर। वेवलेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है, और में आप बोल सकते हैं कि एंगस्ट्रम भी होता है बड़े पैमाने पर, वेवलेंथ में एंगस्ट्रम भी इसका यूनिट होता है। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी का हर्टज होता है। हर्टज आप सुनिए, जानते होइएगा कि फ्रीक्वेंसी जो साउंड होता है, साइड एक फ्रिक्वेंसी होती है जिसका एसआई यूनिट जो होता है वो हर्टज होता है। एसआई यूनिट ऑफ टाइम जो है वो एसआई यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड होता है, सेकेंड से एसआई यूनिट को मेज़र किया जाता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के इसी तरह के वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नए वीडियोस आपको यूं ही मिलते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।